चार दिन से चल रही अटकलें अभी तक किसी का दामन नहीं थामा, आज पत्ते खोलेंगे अरोड़ा। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी में 6 दिन तक चले मुकाबले, देश के 27 राज्यों से आई 280 गर्ल्स बॉक्सरों ने लिया हिस्सा। सीएम ने कहा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित जमीन के रेट रिवाइज करने को केंद्र को भेजा प्रस्ताव। जेजेपी की प्रत्याशी घोषित होने से चौटाला परिवार के एकजुटता के लिए प्रयासों को झटका। दंगल गर्ल बबीता बोली लड़कियां छुई मुई ना बने, जहां गलत हो रहा है आवाज जरूर बुलंद करें। इनेलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा 5 दिन पहले ही पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में जाएंगे या भाजपा में शामिल होंगे इसे लेकर अभी तक अरोड़ा ने अपने पत्ते नहीं खोले। समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इसका फैसला उन पर ही छोड़ा है, जिस पर मंगलवार को पार्टी छोड़ने की घोषणा के बाद अरोड़ा ने 2 दिन का समय कार्यकर्ताओं से सोच विचार के लिए लिया है। तब से अटकलें ही चल रही हैं। अब शनिवार को वे इन अटकलों पर विराम लगा कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। वहीं राजनीतिक हलकों में भी उनके अगले कदम को जानने को लेकर बेचैनी है। रोजाना सुबह से शाम तक राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा बॉक्सिंग संघ की ओर से कराई गई 3री नेशनल वुमेन जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन शुक्रवार को 13 भार वर्ग में मुकाबले खेले गए। साई की नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी में 6 दिन तक चले मुकाबलों में मेजवान हरियाणा टीम की गर्ल्स बॉक्सरों ने 7 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रांज मेडल जीतकर ओवरऑल विजेता का खिताब हासिल किया। प्रदेश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित जमीन के रेट को लेकर सरकार ने केंद्र को रिवाइज रेट का प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को गया है। दरों को रिवाइज करने की स्वीकृति वहीं से मिलेगी। हालांकि पहले तय मुआवजे का 80% लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। ये जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड की बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के करनाल व जिंद जिलों की उप क्षेत्रीय योजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ओर से स्वीकार किया गया है, इससे यहां पर और विकास हो सकेगा। दिल्ली में उन्होंने कहा कि दिल्ली से हिसार तक तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेनों के अनुसार पटरियां डेवलप की जाएंगी। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी द्वारा 7 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित करने के साथ ही चौटाला परिवार में एकजुटता की खा पंचायतों की कोशिश को गहरा धक्का पहुंचा है। खा पंचायतें पिछले कई दिनों से अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत सिंह चौटाला के बीच राजनीतिक एकजुटता की कोशिश कर रही थी। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अभय सिंह चौटाला द्वारा इसके लिए खा पंचायतों को अधिकृत करने व पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की मध्यस्थता के बावजूद कोई हल नहीं निकला। इनेलो से अलग होकर अस्तित्व में आई जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट घोषित करने से 2 दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने ये कहकर पहले परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच राजनीतिक एकजुटता कराओ खा पंचायतों की मुहिम को ब्रेक लगा दिया था। जजपा से पहले आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने कहा कि अब समय बदल गया है, लड़कियों को छुई मुई की तरह नहीं रहना चाहिए, जहां सीखना है वहां सीखिए, जहां गलत हो रहा वहां आवाज भी बुलंद कीजिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे माता पिता लड़का लड़की में भेद करते तो हम फोगाट बहनें कभी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। पिता की ट्रेनिंग ने हमें अनुशासन में रहना सिखाया। उन्होंने अभिभावकों को कहा कि उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चों को इतना लाड़ ना मिले कि वो चलना ही नहीं सीख पाएं।
उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से खेल के दंगल में मैंने नाम हासिल किया है वैसे ही ठीक राजनीति भी अखाड़ा है, यहाँ भी वैसे ही मेहनत कर दंगल करूंगी।